हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से आज फाइनली मीटिंग का आउटकम आ चुका है जो कि एजीएम के बारे में थी। आइए जानते हैं मीटिंग में आज क्या क्या हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो मीटिंग थी ये फिजिकल मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टाइप से की गई, जिसके अंदर मिस्टर रघु अलम शेट्टी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, राम शर्मा, वाई सत्यनारायणा, डॉक्टर चंद्रिका सेतु शर्मा और क्लियो गणेशन, ये सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सबसे पहला आइटम था कि अप्रूवल ऑफ एजीएम नोटिस। बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, 21 नवंबर को कंपनी की ओर से एजीएम कॉल की जाएगी, उसका अप्रूवल मिल चुका है। और ये जो एजीएम रहेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी जाएगी, ऑडियो विजुअल मीन से, और इसमें मेनली फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बारे में डिस्कस किया जाएगा। बुक क्लोजर डेट्स भी डिक्लेयर कर दी गई है इस मीटिंग में। 14 नवंबर to 21 नवंबर बुक क्लोजर डेट्स डिक्लेयर कर दी गई है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था कंपनी की ओर से वो विड्रॉ कर लिया गया है, और उसमें रीज़न ये दिया गया है कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये खर्चा अवॉइड करते हुए डिविडेंड कैंसिल कर दिया गया है। इस एजीएम के लिए स्क्रूटनाइजर्स को अपॉइंट कर दिया गया है, और जिस जो स्क्रूटनाइजर जो कि कंपलसरी होते हैं जिनको भी अपॉइंट कर दिया गया है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 5th कि नए ऑडिटर्स को स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है। डीएसपी रेड्डी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो है अप्रूव किया गया है, जो कि एज ए ऑडिटर कंपनी के लिए काम करेंगे। उसके अलावा सेक्रेटरियल ऑडिटर्स बोल के मिस्टर मेसर सौरभ पोतार एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज को अपॉइंट किया गया है, जो कि इस एजीएम का जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके अलावा इसी एजीएम में जो भी डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए थे उसको भी मंजूरी दी जाएगी, ये एजीएम के अंदर अप्रूवल दिया जाएगा। ऑडिट कमेटी जो कि मंथ ऑफ जुलाई में फॉर्म की गई थी, जो कि मिस्टर राम शर्मा एंड रघु अलम शेट्टी एंड वाई सत्यनारायणा, इनके जो ऑडिट कमेटी थी उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की है कि कुछ कंप्लायंस इश्यूज पेंडिंग है, और मैनेजमेंट को डायरेक्शन दिया कि जल्द से जल्द रिजॉल्व की जाए, जिसके कारण जो सस्पेंशन है और जो मंडे टू मंडे ट्रेड हो रहा है शेयर, उसको जल्द से जल्द उससे रिवोकेशन किया जाए, उसके बारे में भी बात हुई। और जो भी इस एजीएम में होगा वो एक्सचेंजेस को बताया जाएगा, स्टेक होल्डर्स को बताया जाएगा, ये भी इसमें बताया गया है। तो फाइनली इन शॉर्ट एजीएम फाइनल हो चुकी है, ऑडिटर्स फाइनल हो चुके हैं, कंप्लायंस सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरीज जो है वो भी फाइनल हो चुके हैं, तो ये पॉजिटिव बात है। अब देखना यह है कि आगे रिवोकेशन कब तक होता है, और दूसरी बात क्वार्टर 4 के रिजल्ट कब आते हैं, इस पर सब अभी मार्केट की नज़र रहेगी। देखते हैं इस खबर का इम्पैक्ट मंडे को शेयर पर क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।